1 दिसंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी अमित प्रताप सिंह तोमर के निर्देशन में आज मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। अब मोबाइल कोर्ट 4 जगह लगाया गया, पोहरी चौराहा, रेलवे क्रॉसिंग, ग्वालियर बाईपास एवं झांसी तिराहा। इसमें लगभग 200 से 250 स्कूली बसों को चेक किया गया, जिनमें कुछ न कुछ कमियां मिली, जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस, मौके पर दस्तावेज नहीं पाया जाना, बिना कैमरे, स्पीड गवर्नर, प्राथमिक उपचार पेटी का ना होना, बिना वर्दी, बिना नेम प्लेट, आपातकालीन खिड़की का ना खुलना, बच्चियों के साथ महिला टीचर का ना होना, बच्चों को केबिन में बैठाना, चालक का मेडिकल सर्टिफिकेट ना होना एवं चरित्र प्रमाण पत्र का ना होना। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।